ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू 29th लेक्चर ऑफ सर्वेइंग एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लेबलिंग एंड दिस इज द लास्ट सेशन ऑफ लेबलिंग. दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ लेबलिंग एंड इन दिस पर्टिकुलर सेशन आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेंसिटिवनेस ऑफ बबल ट्यूब और लेबल ट्यूब. दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे, ये भी देखेंगे कि सेंसिटिवनेस है जो होती क्या है ना. सो सेंसिटिवनेस ऑफ बबल ट्यूब या फिर लेबल ट्यूब, बबल ट्यूब बोले या फिर लेबल ट्यूब बोले, बोथ आर सेम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज सेंसिटिवनेस. सो द बबल ट्यूब कंसिस्ट ऑफ, एक्चुअल में जो बबल ट्यूब होगा वो किसका बना होगा. द बबल ट्यूब कंसिस्ट ऑफ ए ग्लास ट्यूब. बेसिकली क्या होता है, ग्लास ट्यूब होता है ना. अभी इसको हम लोग प्रैक्टिकली है जो देखेंगे भी. सो द बबल ट्यूब कंसिस्ट ऑफ ए ग्लास ट्यूब पार्शियली फिल्ड विथ ए लिक्विड. इसमें क्या होगा, एक पार्शियली फिल्ड लिक्विड होगा हैविंग वेरी लो विस्कोसिटी. इसकी विस्कोसिटी क्या होगी, काफ़ी कम होगी. सच एज एल्कोहल, क्लोरोफॉर्म. यानी जो भी लिक्विड फिल्ड होगा वो क्या क्या हो सकता है, वो या तो एल्कोहल हो सकता है या क्लोरोफॉर्म हो सकता है ना. सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, द बबल ट्यूब कंसिस्ट ऑफ ए ग्लास ट्यूब. पहले इसको देख लेते हैं ये कैसा होता है. यहाँ पर देखिए, केयरफुली समझिए, ये क्या है आपका, यही है लेबल ट्यूब. इसको क्या बोलते हैं, लेबल ट्यूब, और इसको बबल ट्यूब भी बोलते हैं, बबल ट्यूब, लेबल ट्यूब और बबल ट्यूब. तो ये कहाँ पे होगा, ये आपका टेलीस्कोप के ऊपर माउंटेड होगा. टेलीस्कोप के ऊपर क्या होगा, ये माउंटेड होगा. आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से, ये क्या है आपका, डंपी लेवल है ना. ये क्या है, डंपी लेवल है, केयरफुली समझना है. ये आपका क्या है, बबल ट्यूब है, बबल ट्यूब है. इसको सबसे पहले क्या करते हैं, ट्राइपॉड पे माउंटेन करते हैं. जब हम डंपी लेवल का सेटिंग कर रहे होंगे तो सेटिंग करते समय क्या करते हैं, हमारा टारगेट ये होता है कि जो बबल है, इसमें इस फिगर में भी देख सकते हैं, जो बबल है वो बबल क्या हो जाए, सेंटर में हो जाए. जब बबल सेंटर में हो जाएगा तो हम ये समझेंगे कि हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या है, पूरी तरह से सेट हो चुका है, पूरी तरह से क्या हो चुका है, लेबल हो चुका है, ठीक है. लेकिन अब क्या होगा, यदि आप इसको इंस्ट्रूमेंट, मतलब ये जो आपका टेलीस्कोप है, ये क्या है, टेलीस्कोप है, इस टेलीस्कोप को यदि रोटेट करेंगे, यदि टेलीस्कोप को रोटेट करेंगे तो क्या होगा, बबल भी रोटेट होगा. बबल भी साथ साथ क्या होगा, ये मूव करेगा, एक स्थान से दूसरे प्लेस क्या करेगा, ये मूव करेगा. जब आप टेलीस्कोप को हॉरिजॉन्टल प्लेन में या फिर वर्टिकल प्लेन में इसको मूव करेंगे, यदि आप वर्टिकल प्लेन में इसको मूव करते हैं, सपोज कीजिए इस तरह से रोटेट करते हैं, तो जब आप टेलीस्कोप के रोटेट करेंगे तो बबल भी है जो क्या होगा, अपना स्थान है जो चेंज करेगा, कभी ये लेफ्ट में रहेगा, कभी राइट में रहेगा, और एक एक इसका पोजीशन ऐसा भी आएगा जब बबल क्या होगा, बिल्कुल सेंटर में होगा. और जब बबल सेंटर में होगा तो हम क्या बोलेंगे, इंस्ट्रूमेंट है जो हमारा कम्प्लीटली है जो लेबल हो चुका है. सो इसी बबल ट्यूब का सेंसिटिवनेस के बारे में हम लोग को क्या है, पढ़ना है. अब देखिए थोड़ा बैक आइए. सो द बबल ट्यूब कंसिस्ट ऑफ ए ग्लास ट्यूब. ये क्या होता है, एक ग्लास ट्यूब होता है, जैसा कि देख सकते हैं ये क्या है, एक ग्लास ट्यूब है. पार्शियली फिल्ड विद द लिक्विड. पार्शियली फिल्ड होता है, फुल्ली फिल्ड नहीं होगा, क्योंकि यदि फुल्ली फिल्ड हो गया तो बबल का फॉर्मेशन होगा ही नहीं, है ना. यदि फुल्ली ये फील्ड इसको हम कर दिए तो क्या होगा, बबल का फॉर्मेशन नहीं होगा. अब इसको प्रैक्टिकली एग्जाम्पल आप देख सकते हैं. एक आप बोतल में क्या कीजिए, ग्लास का बोतल लीजिए, उसमें पानी फिल कर दीजिए. यदि आप कम्प्लीटली फिल कर देंगे तो कोई बबल का फॉर्मेशन नहीं होगा. यदि थोड़ा उसमें वैकेंट रहता है, थोड़ा खाली रहता है, तो क्या होगा, उसमें बबल का फॉर्मेशन होगा. सो द बबल ट्यूब कंसिस्ट ऑफ ए ग्लास ट्यूब पार्शियली फिल्ड विथ ए लिक्विड हैविंग वेरी लो विस्कोसिटी. अभी लो विस्कोसिटी वाला ही लिक्विड क्यों यूज करते हैं, इसका रीजन मैं अभी दूंगा. लो विस्कोसिटी वाला लिक्विड इसलिए यूज करते हैं ताकि ये फ्रीली है जो मूव कर सके, बबल है जो फ्रीली है जो मूव कर सके, इसीलिए लो विस्कोसिटी वाला है जो लिक्विड इसमें यूज करते हैं बबल ट्यूब में. अब देखिए आपको कॉपी में जो फिगर है ए वाला बनाना है, इस फिगर को आपको कॉपी में ड्रा करना है. यहाँ पे आप देख सकते हैं
क्या होता है, दो एडजस्टिंग स्क्रू होता है, यहाँ पे एडजस्टिंग स्क्रू होता है और दूसरा है जो यहाँ पे होता है, जैसा कि आप नेक्स्ट फिगर में यहाँ पे देख सकते हैं। ये क्या होता है, दो टाइप का एडजस्टिंग स्क्रू होता है यहाँ पे, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, एक यहाँ पे होता है और एक यहाँ पे होता है। यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या है, फ्लूड विथ लो विस्कोसिटी, यहाँ पे स्प्रिंग होता है जिससे क्या होगा, इस बबल ट्यूब को हम एडजस्ट कर सकते हैं, है ना। इस तरह से इनसाइड या आउटसाइड है जो मूव करके बबल को हम क्या करते हैं, सेंटर में लाने की कोशिश करते हैं, आइदर इनसाइड और आउटसाइड। ये टोटल प्रैक्टिकल है, तो आप जब प्रैक्टिकल कॉलेज में करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, बट फिर भी इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे एडजस्टिंग स्क्रू होता है, एक स्क्रू यहाँ पे होगा, दूसरा स्क्रू यहाँ पे होगा, है ना। और यहाँ पे क्या होता है, एक सीमेंटेड मटेरियल से इसको, इसके अंदर क्या होता है, एक सीमेंटेड मटेरियल फिल किया रहता है ताकि एक क्या हो सके, अच्छे से इसको बबल ट्यूब को फिक्स किया जा सके, है ना। ये जो मोल्ड है, मोल्ड के अंदर इसको क्या किया जा सके, फिक्स किया जा सके। हमें डिफाइन करना है सेंसिटिवनेस के बारे में, क्योंकि टोटल जो हमारा फोकस होगा वो किस पे होगा, सेंसिटिवनेस और बबल पे। तो सेंसिटिवनेस होती क्या है, इसको पहले एक्सप्लेन करते हैं। सो सेंसिटिवनेस ऑफ बबल ट्यूब इज द एंगल, यही आपका एग्जाम में लिखने के लिए पूछेगा। सो सेंसिटिवनेस ऑफ द बबल ट्यूब इज द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ टेलीस्कोप ड्यू टू वन डिवीजन मूवमेंट ऑफ द बबल, ड्यू टू वन डिवीजन मूवमेंट ऑफ द बबल। कहने का मतलब है कि वन डिवीजन यदि बबल मूव करता है, डिवीजन कहाँ से पता चलेगा, इस पे क्या होगा, इस पे है जो ग्रेजुएटेड मार्क होता है, इस तरह से ग्रेजुएटेड मार्क होता है, ये नंबर ऑफ डिवीजन इस पे इस तरह से बना हुआ होगा, इस तरह से ग्रेजुएशन बना हुआ होगा। आप चाहें तो नेक्स्ट फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे अगर सही से आप विजुलाइज कर पा रहे हो तो देखिए इस पे क्या है, ग्रेजुएशन है, इस तरह से मार्स है, ठीक है। कहता है सेंसिटिवनेस ऑफ द बबल ट्यूब इज द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ टेलीस्कोप ड्यू टू वन डिवीजन मूवमेंट ऑफ बबल, ड्यू टू वन डिवीजन मूवमेंट ऑफ बबल। एक डिवीजन मूव करने में जितना टेलीस्कोप रोटेट करता है, जितना टेलीस्कोप है जो रोटेट करेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, सेंसिटिवनेस ऑफ बबल बोलेंगे। इट इज डिनोटेड बाई अल्फा, इसको किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से डिनोट करते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, इसको सही से समझने की कोशिश करते हैं, इसको आगे है जो हम कैलकुलेशन भी करेंगे सेंसिटिवनेस को। अभी डेफिनेशन के लिए आपको याद रखना है कि सेंसिटिवनेस ऑफ बबल ट्यूब इज द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ टेलीस्कोप ड्यू टू वन डिवीजन मूवमेंट ऑफ बबल ट्यूब, ड्यू टू वन डिवीजन ऑफ मूवमेंट ऑफ बबल ट्यूब। सपोज कीजिए कि बबल ट्यूब एन डिवीजन से, एन डिवीजन है जो मूव करता है, बबल ट्यूब है जो, ये जो बबल है वो एन डिवीजन मूव करता है, एन डिवीजन मूव करता है, तो टेलीस्कोप है जो कितना रोटेट करता है, थीटा से रोटेट करता है। सही से समझना है, अगर बबल है जो एन डिवीजन है जो मूव करता है, एन डिवीजन है जो मूव करता है, तो टेलीस्कोप कितना से रोटेट कर रहा है, थीटा से रोटेट कर रहा है, तो एक डिवीजन के कोरिस्पोंडिंग कितना रोटेट करेगा, थीटा बाई एन। तो इसी को क्या बोल देंगे, सेंसिटिवनेस बोल देंगे, मतलब थीटा बाई एन को ही क्या बोलेंगे, सेंसिटिवनेस ऑफ बबल बोलेंगे। और इसको किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से डिनोट करते हैं। सो फॉर एन डिवीजन लेट अस सपोज टेलीस्कोप इज मेकिंग एंगल विद हॉरिजेंटल इज थीटा, विद वर्टिकल इज थीटा, थीटा के साथ, वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, तो वन डिवीजन में कितना एंगल बनाएगा, वन डिवीजन में कितना एंगल बनाएगा, थीटा बाई एन। इसी को हम क्या बोल देंगे, सेंसिटिवनेस ऑफ बबल। इसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे जब इसका हम डेरिवेशन करेंगे अभी, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। एंड इट डिनोटेड बाई अल्फा, इसको किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से डिनोट करते हैं। ये तो डेफिनेशन की बात हो गई कि सेंसिटिवनेस ऑफ बबल ट्यूब इज द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ टेलीस्कोप ड्यू टू वन डिवीजन मूवमेंट ऑफ बबल, ड्यू टू वन डिवीजन मूवमेंट ऑफ बबल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, फैक्टर अफेक्टिंग द सेंसिटिवनेस ऑफ बबल ट्यूब, कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जिस पे सेंसिटिवनेस ऑफ बबल ट्यूब है जो डिपेंड करेगा, मतलब जो अल्फा का वैल्यू है वो किन बातों पे डिपेंड करेगा। और ए है जो आपका सब्जेक्टिव में लिखने के लिए आता है, जो चार पांच पॉइंट यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये आपको सब्जेक्टिव में लिखने के लिए आएगा कि कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जिस पे सेंसिटिवनेस ऑफ बबल ट्यूब है जो डिपेंड करता है, ऑन व्हाट फैक्टर सेंसिटिवनेस ऑफ बबल ट्यूब डिपेंड्स। सो फर्स्ट फैक्टर है इंटरनल रेडियस ऑफ द बबल ट्यूब, इंटरनल रेडियस किस पे डिपेंड करेगा, इंटरनल रेडियस ऑफ द बबल ट्यूब।
सेकेंड डायमीटर ऑफ द ट्यूब, डायमीटर ऑफ ट्यूब पे भी डिपेंड करेगा, इंटरनल रेडियस पे भी करेगा, डायमीटर पे भी करेगा, है ना। अब देखिए, अगर इंटरनल रेडियस इंक्रीज करता है, अगर इंटरनल रेडियस इंक्रीज करता है, यदि आर है जो इंक्रीज करता है, तो आपका अल्फा भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ऐसा क्यों? बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि जब रेडियस बड़ा होगा तो बबल को मूव करने के लिए स्पेस ज़्यादा मिलेगा, है ना। जब रेडियस बड़ा होगा तो बबल को मूव करने के लिए क्या होगा, स्पेस ज़्यादा मिलेगा, मतलब वो फ्रीली मूव कर सकता है, तो अल्फा भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, है ना। मतलब विथ इंक्रीज इन रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंसिटिविनेस ऑफ बबल इज आल्सो इंक्रीज। तो रेडियस को यदि आप बढ़ा रहे हैं तो अल्फा भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। सिमिलर फैशन में आप समझ सकते हैं कि यदि डायमीटर है जो इंक्रीज करता है, यदि डायमीटर इंक्रीज करता है तो आपका अल्फा भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। थर्ड थिंग, लेंथ ऑफ द बबल ट्यूब, यदि लेंथ इंक्रीज करेगा, फिर से मैं वही रीजन दूंगा कि यदि लेंथ ऑफ द बबल है जो इंक्रीज करता है, लेंथ ऑफ द बबल इंक्रीज करता है तो भी क्या होगा, वो इजिली डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर लेंथ उसका, लेंथ यदि ज़्यादा होगा बबल का, बबल का लेंथ, हम बबल ट्यूब का लेंथ नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, लेंथ ऑफ द बबल, लेंथ ऑफ द बबल यदि ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वो इजिली है जो डिस्प्लेस हो जाएगा, इजिली है जो डिस्प्लेस हो जाएगा। तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, अल्फा है जो इंक्रीज करेगा, इस केस में भी अल्फा इंक्रीज करेगा। नाउ मूव टू द थर्ड वन, विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। आपने जो बबल ट्यूब में लिक्विड फिल किया है, आपने जो बबल ट्यूब में लिक्विड फिल किया है, यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी आपने लिक्विड फिल किया है, ये जितना विस्कोसिटी इसका कम होगा, उतना क्या होगा, ये फ्रीली है जो मूव करेगा, उतना है जो फ्रीली मूव करेगा, है ना। सो जितना विस्कोसिटी इसका लो होगा, उतना फ्रीली है जो बबल ट्यूब क्या होगा, बबल है जो इजिली मूव करेगा। सो विस्कोसिटी, यदि विस्कोसिटी सपोज कीजिए म्यू है जो विस्कोसिटी है, यदि विस्कोसिटी आप बढ़ाएंगे तो अल्फा क्या होगा, डिक्रीज होगा, अल्फा क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। इसीलिए हम लो विस्कोसिटी वाला यूज करते हैं, ताकि अल्फा क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। नाउ रफनेस ऑफ द वॉल्स ऑफ द ट्यूब, अगर रफ ज़्यादा होगा तो इजिली है जो मूव नहीं कर पाएगा, तो फिर से अल्फा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। रफनेस यदि इंक्रीज करेगा वाल का, जो बबल बबल ट्यूब है उसका रफनेस यदि इंक्रीज करेगा, तो अल्फा क्या होगा, डिक्रीज करेगा, इस केस में भी अल्फा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। सो रफनेस आपका क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, इस केस में भी अल्फा क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज करेगा। तो ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारा पॉइंट है जो आपको याद होना चाहिए। रेडियस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेडियस के साथ क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा। उस तरह से डायमीटर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हो गया, लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हो गया, म्यू के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हो गया, और रफनेस के साथ भी क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, रफनेस के साथ भी क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हो गया। तो ऑब्जेक्टिव के लिए सब पॉइंट हो जाए आपको याद होना चाहिए। नाउ कैलकुलेशन ऑफ सेंसिटिवनेस ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब, अब हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो देखिए कैसे है जो वैल्यू इसका निकालेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज कीजिए कि आपका क्या है, बबल ट्यूब है ना, जो बबल ट्यूब है वो इस पाथ कर पाथ पे मूव कर रहा है, ए से बी है जो मूव कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि जब बबल सेंटर में होगा, स्टार्टिंग में क्या होगा, बबल सेंटर में होगा, स्टार्टिंग में क्या होगा, जब आप लेवल इंस्ट्रूमेंट को सेट कर लेंगे तो बबल ट्यूब क्या होगा, आपका सेंटर में होगा। तो जब सेंटर में होगा उसके कोरिस्पोंडिंग मान लेते हैं रीडिंग क्या है, ये क्या हो गया, स्टाप हो गया, ये आपका क्या है, स्टाप है, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट है जो कहाँ पे सेट है, ओ पे है, जो कि स्टाप से कितना दूरी पे है, डी डिस्टेंस पे, स्टाप से कितना डिस्टेंस पे इंस्ट्रूमेंट आपका, डी डिस्टेंस पे है। तो जब बबल सेंटर में था उसके कोरिस्पोंडिंग है जो आपने टेलीस्कोप से देखा स्टाप को और रीडिंग नोट किया, सपोज कीजिए उस समय रीडिंग है जो एस वन आया, कितना आया, एस वन आया। उसके बाद क्या किया आपने, आपने टेलीस्कोप को थोड़ा रोटेट किया, टेलीस्कोप को थोड़ा रोटेट किया। जब आप टेलीस्कोप को रोटेट करेंगे तो बबल क्या होगा, अपने सेंटर से दूसरे स्थान पर प्लेस हो जाएगा, सेंटर से दूसरे स्थान पर प्लेस हो जाएगा। उस समय मान लेते हैं कि इसका रीडिंग कहाँ पर इंटरसेप्ट कर रहा है, लाइन ऑफ, ये जो लाइन ऑफ साइट है ये क्या है, लाइन ऑफ साइट। तो इस केस में जो लाइन ऑफ साइट है
वो मान लेते हैं एस टू पे इंटरसेप्ट कर रहा है, किस पे कर रहा है, एस टू पे इंटरसेप्ट कर रहा है, और टोटल जो आपका स्टाफ इंटरसेप्ट है वो क्या है, एस है। टोटल स्टाफ इंटरसेप्ट क्या है, एस है, यानी एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, एस टू माइनस एस वन। एस का वैल्यू यदि कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, एस टू माइनस एस वन, एस टू माइनस एस वन। अब देखिए, ए मान के चलते हैं कि ये जो एंगल है टेलीस्कोप का, जो रोटेशन है वो थीटा है। ये टेलीस्कोप कितना से रोटेट किया है, थीटा से रोटेट किया है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा आपका, थीटा हो जाएगा। ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। दूसरी बात कि ए क्या होगा, ए रेडियस होगा जिस पे बबल है जो मूव कर रहा है ना, रेडियस, इस रेडियस पे क्या होगा, बबल है जो मूव करेगा यहाँ से यहाँ तक, कर्व पाथ पे मूव करेगा बबल, तो रेडियस मान लेते हैं क्या है, आर है। सेकेंड थिंग, ये भी मान लेते हैं कि इसमें क्या है, एन नंबर ऑफ डिवीजन है, एन नंबर ऑफ इसमें क्या है, डिवीजन है, ठीक है, एन नंबर ऑफ डिवीजन है। सो यहाँ पे इजीली रिलेशन हम लिख सकते हैं। अभी मैंने डिफाइन किया था कि सपोज कीजिए कि फॉर एन डिवीजन, एन डिवीजन यदि बबल क्रॉस करता है, अगर एन डिवीजन क्रॉस करता है एन डिवीजन यदि बबल क्रॉस करता है उसके कोरिस्पोंडिंग टेलीस्कोप का एंगल कितना है, थीटा है, तो वन डिवीजन के कोरिस्पोंडिंग कितना हो जाएगा एंगल, थीटा बाई एन। और इसी को तो क्या बोलते हैं, सेंसिटिवनेस बोलते हैं, थीटा बाई एन को क्या बोलते हैं, सेंसिटिवनेस बोलते हैं, ठीक है, थीटा बाई एन को क्या बोलते हैं, सेंसिटिवनेस बोलते हैं। अब एक बात देखिए, यहाँ से हम tan थीटा बराबर फार्मूला लगा सकते हैं, इस पार्टिकुलर बी एफ ई में, बी एफ ई में अगर हम tan थीटा लिखें इस फिगर में, हियर tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर लिख सकते हैं, tan थीटा को लिख सकते हैं लंब बटे आधार, तो लंब क्या होगा, एस हो जाएगा, लंब क्या होगा, एस हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर हो गया एस बाई डी, एस बाई डी। अब एक बात बताइए, tan थीटा बराबर हो गया एस बाई डी, और tan थीटा चूंकि ये थीटा क्या है, बहुत छोटा है, सिंस थीटा आपका क्या है, बहुत छोटा है, थीटा क्या है, ये बहुत छोटा है, तो हम tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को हम लिख सकते हैं थीटा, ठीक है, थीटा। सो थीटा बराबर क्या हो गया, एस बाई डी, एस बाई डी। सेकेंड थिंग इसमें देखिए, इस केस में यहाँ पे थीटा बराबर एल बाई आर भी लिख सकते हैं, थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, एल बाई आर, होता है कि नहीं, थीटा बराबर एल बाई आर भी होता है। तो ये टोटल जो लेंथ है, लेंथ ऑफ बबल ट्यूब है वो मान लेते हैं, मतलब लेंथ ऑफ बबल है वो मान लेते हैं एल है, वो कितना है, एल है, तो इसको क्या लिख देंगे, एल बाई आर भी लिख सकते हैं, एल बाई आर भी लिख सकते हैं। ये आपका ओ ए बी में, ओ ए बी में, ओ ए बी में यहाँ पर देखिए, इसको सही से समझने की कोशिश कीजिए, ये आपका L है, ए O है, और ये A है, और ये B है, और ये रेडियस है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, थीटा है, तो थीटा बराबर L बाई आर, आर का अपॉन रेडियस होता है, तो L बाई आर भी लिख सकते हैं, L बाई आर भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अल्फा क्या है आपका, अल्फा है थीटा बाई एन, अल्फा क्या है, थीटा बाई एन। सो यहाँ से थीटा का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, इसको इक्वेशन वन मान लीजिए, इसको टू मान लीजिए। सो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू से क्या लिख सकते हैं बताइए, वन एंड टू से लिख सकते हैं अल्फा इज कल टू थीटा बाई एन है, थीटा का वैल्यू क्या, एस बाई डी है,
तो एस बाई एन डी हो गया, एस बाई एन डी हो गया, एस बाई एन डी हो गया इजकल टू क्या लिख सकते हैं, एल बाई एन एल बाई आर भी लिख सकते हैं इसको, एन एल बाई आर भी इसको लिख सकते हैं, है कि नहीं? ये क्या है आपका एल बाई आर। सो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं एल बाई आर। देखिए यहाँ पे अगर कन्फ्यूजन हो सकता है तो यहाँ से आप समझ लीजिए, एल है जो आपका वन डिवीजन के बीच का लेंथ है, एल है यहाँ पे इम्प्रूव थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, एल है जो आपका क्या है, एल है दो डिवीजन वन डिवीजन के बीच का लेंथ, वन डिवीजन के बीच का लेंथ ये एल है, वन डिवीजन के बीच का लेंथ। तो टोटल लेंथ यदि हम निकालना चाहें, ये वाला लेंथ यदि टोटल निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, एन एल हो जाएगा। टोटल आर्क लेंथ कितना हो जाएगा, एन एल हो जाएगा। टोटल आर्क लेंथ कितना हो जाएगा, एन एल, क्योंकि वन डिवीजन के बीच का लेंथ है, वन डिवीजन के बीच का लेंथ ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है ये कितना एल है, और ये जनरली लेते हैं 2 mm, क्वेश्चन में देखेंगे जनरली कितना लेते हैं 2 mm लेते हैं। सो वन डिवीजन के बीच का जो लेंथ है आपका एल है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन मान लेते हैं कितना है एन है, तो ए आर्क लेंथ टोटल कितना हो जाएगा, एन इंटू एल हो जाएगा, एन इंटू एल हो जाएगा। सो यहाँ पे आप रखेंगे थीटा बराबर क्या था, एस बाई डी, थीटा बराबर एस बाई डी है। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन वन से अल्फा है जो थीटा बाई एन है, अल्फा थीटा बाई एन है, और थीटा है जो एस बाई डी है, थीटा क्या है एस बाई डी है। यहाँ से आप लिख सकते हैं एन एल बाई, एन एल बाई एन इंटू आर, तो ये एन एन क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचेगा एल बाई आर। फाइनल आपका इक्वेशन जो आ रहा है सेंसिटिवनेस का, अल्फा बराबर आ रहा है एस बाई एन डी इजकल टू एल बाई आर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन। सो आपको दो इक्वेशन याद रखना, एक तो अल्फा बराबर थीटा बाई एन हो गया, और दूसरा अल्फा बराबर एस बाई एन डी बराबर एल बाई आर इज इक्वल टू एल बाई आर इज इक्वल टू एल बाई आर। अब देखिए ए जो आपका आएगा किस यूनिट में आएगा, रेडियन में आएगा, ये किस में आएगा रेडियन में आएगा। आप चाहते हैं इसको किस में, डिग्री में, मिनट में या सेकेंड में, चूंकि ये वैल्यू बहुत स्मॉल होता है तो जनरली है जो किस में मेजर करते हैं, सेकेंड में मेजर करते हैं, सेंसिटिवनेस को जनरली है जो सेकेंड में मेजर करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा इजकल टू एस वाई एन डी, एस वाई एन डी इंटू 20, 62, 65, 2062, 65, ये किस यूनिट में देगा आपको, ये देगा सेकेंड में। मैंने भी याद किया, आपको भी याद करना है, आप चाहें तो इसको डेरिवेशन कर सकते हैं, है ना, इसको चाहें तो डेरिवेशन कर सकते हैं, लेकिन आपको डायरेक्टली याद रखना है अल्फा इजकल टू, अल्फा इजकल टू एस वाई एन डी इंटू 20, 62, 65, और इसको बहुत यूज करेंगे, आज भी यूज करेंगे। अल्फा का जो वैल्यू आ गया, आ गया आपका एस बाई एन डू एन डी इंटू 20, 62, 65, 2062, 65, ये किस यूनिट में आएगा आपका, अल्फा का वैल्यू सेकेंड में आएगा, यहाँ पे किस यूनिट में आया था रेडियन में आया था। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है जो आपको याद रखना है, डेरिवेशन बहुत सिंपल है। अब एक बार क्या किए, सेंसिटिवनेस का जो डेफिनेशन है उसी का यूज किए हैं, क्योंकि एन डिवीजन में थीटा से रोटेट करता है, तो वन डिवीजन में थीटा बाई एन हो गया, इसी को हमने क्या बोल दिया सेंसिटिवनेस ऑफ बबल बोल दिया, क्योंकि टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा एस बाई डी हो जाएगा। यहाँ पे देखा जाए इस ट्रायंगल में तो टैन थीटा बराबर लिख सकते हैं एस बाई डी, क्योंकि थीटा है जो काफ़ी स्मॉल है तो इसको टैन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं, है ना, तो थीटा बराबर एस बाई डी हो गया। दूसरी बात कि दो डिवीजन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने एल बोला, तो एन डिवीजन में कितना हो जाएगा एन एल हो जाएगा, एन एल हो जाएगा, तो ये क्या हो गया एन एल बाई आर हो गया। अब इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को आप इक्वेट करेंगे तो अल्फा बराबर फाइनल जो इक्वेशन आएगा इसी को आपको याद करना है, अल्फा इजकल टू एस बाई एन डी इजकल टू एल बाई आर, बट ये रेडियन यूनिट में आएगा, किस में आएगा रेडियन यूनिट में आएगा, क्यों, क्योंकि ये सब एस डी ये सब का वैल्यू आप मीटर में पुट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसको सेकेंड में कन्वर्ट करें तो इसको क्या करेगा 2062
206265 से आपको मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, यानी अल्फा बराबर एस वाई एन डी इंटू 20 62 65, इससे आपको मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आंसर किस में देगा, सेकंड में देगा। तो ये तो रहा डेरिवेशन की बात। अब देखिए, अब हम इस पर क्या करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इस पर क्या करेंगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तब ये ज़्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन को आपको केयरफुली है जो रीड करना है। सबसे पहले कहता है कि इफ ए स्टॉप रीडिंग टेक्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 240 मीटर, स्टॉप रीडिंग टेक्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 240 मीटर, कीपिंग बबल इन सेंटर इज 2.65 मीटर, द बबल इज देन मूव्ड बाई 5 डिवीजन, बबल इज देन मूव्ड बाई 5 डिवीजन। पहले देखिए क्या था, बबल सेंटर में था, पहले बबल किस में था, सेंटर में था, तो सेंटर में था, इसको रफली फिगर आप चाहें तो बना सकते हैं, स्टार्टिंग में बबल सेंटर में था और यहाँ पे आपने कहीं है जो स्टाफ है जो यहाँ पे स्टाफ हेल्ड किए हैं, जो कि कितना डिस्टेंस पे है, डी डिस्टेंस पे, और डी का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 240 मीटर। बहुत सिंपल है, आप बना सकते हैं, जब बबल सेंटर में था तो ये जो वैल्यू है, सपोज कीजिए एस वन है, कितना दिया है 2.65 मीटर, 2.65 मीटर। अब कहता है 5 डिवीजन है जो मूव कर गया, बबल है जो कितना मूव किया, 5 डिवीजन, 5 डिवीजन है जो मूव कर गया बबल, 5 डिवीजन मूव करने के बाद क्या है, फिर से इसने रीडिंग लिया, सपोज कीजिए कहीं यहाँ पे स्टाफ को कट कर रहा है, यहाँ पे स्टाफ को कहीं कट कर रहा है, ये जो रीडिंग है एस टू मान लेते हैं, ये कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 2.86 मीटर, 2.86 मीटर, 2.86 मीटर। हमें क्या निकालना है, फाइंड द सेंसिटिविटी ऑफ द बबल ट्यूब, सबसे पहले आपको अल्फा का वैल्यू निकालना है, उसके बाद फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस का वैल्यू निकालना है, रेडियस का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ये तो रहा आपका फिगर, अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो आपको इक्वेशन तो पता है, जो डेटा दिया है उसको आप लिख लीजिए। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द गिवन डेटा, क्या दिया हुआ है आपको, सबसे पहले स्टाफ इंटरसेप्ट निकालिए, एस क्या था, स्टाफ इंटरसेप्ट था, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं सारा चीज लिख रखा हूँ, यहाँ पे देखिए एस है जो स्टाफ इंटरसेप्ट है, आप इसको लिख लेंगे, एल था जो लेंथ ऑफ 1 डिवीजन था, जिसका वैल्यू कितना लेते हैं, 2 mm लेते हैं, आर था आपका रेडियस ऑफ आर विच बबल मूव्स, आर क्या था, रेडियस ऑफ बबल, उसके बाद आपका हो गया डी, डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन इंस्ट्रूमेंट एंड स्टाफ, डिस्टेंस बिटवीन इंस्ट्रूमेंट एंड स्टाफ। सो अब यहाँ पे आप आइए, सबसे पहले स्टाफ इंटरसेप्ट दिया हुआ है, स्टाफ इंटरसेप्ट आपको क्या करना होगा, निकालना होगा, स्टाफ इंटरसेप्ट निकालना होगा, स्टाफ इंटरसेप्ट, स्टाफ इंटरसेप्ट आप निकाल सकते हैं, एस क्या हो जाएगा, एस टू माइनस एस वन, एस टू कितना है, 2.65, 2.86 माइनस 2.65, जब इसको सोल्व करेंगे तो आ रहा है 0.21 मीटर, 0.21 मीटर आपका स्टाफ इंटरसेप्ट आ गया। सेकंड थिंग, डिस्टेंस दिया हुआ कैपिटल डी, कितना, 240 मीटर, 240 मीटर। उसके बाद आपको नंबर ऑफ डिवीजन दिया हुआ, देखिए 5 डिवीजन, तो एन हो गया 5। उसके बाद दिया हुआ है, उसके बाद आपको निकालना है अल्फा का वैल्यू, आपको निकालना है, तो आप फार्मूला लिखेंगे, क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे, अल्फा इजकल टू एस बाई एन डी, एस बाई एन डी इंटू 20 62 65, एस बाई एन डी इंटू 20 62 65। चूंकि आपका पहला क्वेश्चन पूछ रहा है सेंसिटिवनेस ऑफ बबल ट्यूब, तो किस यूनिट में निकालेंगे आप, सेकंड में निकालेंगे, 99.9% क्वेश्चन ऐसा होगा जिसका आंसर आपको सेकंड में निकालना होगा, क्योंकि वैल्यू क्या होता है, बहुत कम होता है ना। सारा वैल्यू पुट कर दीजिए, एस का वैल्यू 0.21 मीटर है, डिवाइडेड बटा एन क्या हो गया,
नंबर ऑफ डिवीजन आपका 5 है, इंटू डी कितना है 240 है, इंटू 20 62 65 है ना। सो ये किस यूनिट में आएगा आपका, सेकेंड में आएगा। आफ्टर सॉल्विंग यू विल बी गेटिंग 36.1 सेकेंड, 36.1 सेकेंड। तो आंसर हो गया आपका सेंसिटिवनेस का 36.1 सेकेंड। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब बबल ट्यूब को आप 5 डिवीजन से मूव किए थे, है ना, मतलब 1 डिवीजन से जब मूव करेंगे बबल ट्यूब को, जब 1 डिवीजन से मूव करेंगे तो आपका टेलीस्कोप है कितना से रोटेट करेगा, 36.1 सेकेंड से रोटेट करेगा, 36.1 सेकेंड से रोटेट करेगा। इसका एग्जैक्ट सिग्निफिकेंस ये है। नाउ मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द बबल ट्यूब टेक एल इज इक्वल टू 2 mm। जनरली इसमें भी 99% होगा, जो लेंथ ऑफ मतलब 1 डिवीजन जो लेंथ होगा 1 डिवीजन का वो कितना होगा, 2 mm होगा। कितना होगा, एल का वैल्यू 2 mm होगा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना। तो अल्फा बराबर अभी एक इक्वेशन आया था एल बाई आर, है ना, एल बाई आर अभी तो आया था, कितना आया था एल बाई आर। इसी फार्मूला से रेडियस ऑफ कर्वेचर निकलेगा, है ना। अल्फा का वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अल्फा का वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, सो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, देखिए चूंकि यहाँ पे आप सेकंड में निकाले हैं, लेकिन यहाँ पे किस यूनिट में चाहिए आपको, आपको रेडियन यूनिट में चाहिए, है ना। यहाँ पे किस यूनिट में चाहिए, रेडियन यूनिट में चाहिए। तो अल्फा का वैल्यू आप डायरेक्ट कितना लिखेंगे, एस बाई एन डी लिखेंगे, एस बाई एन डी लिखेंगे, क्योंकि हमें आर का वैल्यू तो मीटर में लाना है, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे सारा वैल्यू किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। तो एस बाई एन डी इजकल टू एल बाई आर। अब यहाँ से आप सारा वैल्यू पुट कर दिए, एस का वैल्यू कितना था 0.21 मीटर, डिवाइडेड बटा एन कितना था 5, डी कितना था 240, बराबर एल, एल कितना था 2 mm, तो mm को मीटर में कन्वर्ट कीजिए, 2 × 10⁻³, डिवाइडेड बटा आर। तो यहाँ से सिर्फ आपका अननोन क्या है, आर है। तो आफ्टर सॉल्विंग यू विल बी गेटिंग 11.43 मीटर, 11.43 मीटर। ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब इस रेडियस ऑफ कर्वेचर पे बबल ट्यूब क्या करेगा, मूव करेगा। है ना। तो ये आपका क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू। ये कंफ्यूज नहीं होना, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मतलब जिस पाथ पे बबल है जो मूव करेगा उसका रेडियस है, बबल ट्यूब का रेडियस नहीं है। बच्चा लोग यहीं पे कंफ्यूज कर जाता है ना। ये क्या है, जिस पाथ पे आपका बबल है जो मूव करेगा उस पाथ का क्या है, रेडियस है, उस पाथ का रेडियस है, ये बबल ट्यूब का रेडियस नहीं है, ठीक है। सो ये क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, यही आपको निकालना था। सो काफ़ी स्मॉल टॉपिक है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको सही तरीका से आप इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। और बहुत सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो आपको हमेशा पूछता है। नाउ एक क्वेश्चन और करते हैं, कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द बबल ट्यूब इफ एंगुलर वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन इज 20 सेकेंड। क्या बात है, एंगुलर वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन है जो 20 सेकेंड है, और 1 डिवीजन के कोरस्पॉन्डिंग जो एंगुलर वैल्यू होता है उसी को तो सेंसिटिवनेस ऑफ बबल बोलते हैं। अभी तो मैं बोला था कि एन डिवीजन के कोरस्पॉन्डिंग यदि थीटा एंगल है तो 1 डिवीजन के कोरस्पॉन्डिंग कितना होता है, थीटा बाई एन, इसी को क्या बोलते हैं, सेंसिटिवनेस ऑफ बबल बोलते हैं, है ना। तो 1 डिवीजन के कोरस्पॉन्डिंग एंगुलर वैल्यू कितना दिया है, 20 सेकेंड, यानी डायरेक्टली आपको अल्फा का वैल्यू दे दिया है, है ना। सो आपका लिख सकते हैं गिवन, गिवन अल्फा बराबर कितना, 20 सेकेंड, ठीक है। एल बराबर कितना दिया हुआ है, 2 mm। निकालना क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से फार्मूला लगाना पड़ेगा, अल्फा इजकल टू एस बाई एन डी इजकल टू एल बाई आर, इजकल टू एल बाई आर, ठीक है। सो अल्फा का वैल्यू देखिए क्या, एस बाई एन डी, है ना, एस बाई एन डी। अब यहाँ पे देखिए
यहाँ पे आप क्या करेंगे, सारा वैल्यू है जो आपको पुट करना पड़ेगा। अल्फा का वैल्यू आपको किस में दिया हुआ है, सेकेंड में दिया हुआ है, तो आपको इसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन में जो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे डी है जो आप कैपिटल लिख लीजिए, डी का वैल्यू किस में होगा, कैपिटल में होगा, कैपिटल में होगा। तो इसी फार्मूला को हमको क्या करना है, यूज करना है। सेकेंड थिंग, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, बट यहाँ पे जो किस यूनिट में होता है आपका, रेडियन में होता है, और अल्फा आपको दिया हुआ है किस यूनिट में, सेकंड में दिया हुआ है। एन का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 1 डिवीजन। एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 डिवीजन, ठीक है। तो ये रेडियन में होता है, हमें सेकंड में इसको कन्वर्ट करना है। तो अल्फा का वैल्यू हम लिख सकते हैं क्या, एस बाई एन डी इंटू 20, 62, 65। एक किस यूनिट में होता है, ये आपका सेकंड में होता है, एक किस में होता है, सेकंड में होता है। तो इस एस बाई एन डी का वैल्यू कितना हो गया, एस बाई एन डी का वैल्यू एल बाई आर लिख सकते हैं, इधर क्या है, अल्फा है। एस बाई एन डी किसके बराबर है, एल बाई आर के बराबर है। तो एस बाई एन डी को लिख सकते हैं एल बाई आर इंटू 20, 62, 65, 65, और इधर क्या है, अल्फा है ना। अब देखिए दोनों तरफ सेकंड में यूनिट आ गया, तो यहाँ पे 20 सेकंड दिया हुआ, ये कितना दिया हुआ, 20 सेकंड दिया हुआ। इधर एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻³, क्योंकि एल बराबर 2 mm है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ से गुना करना पड़ेगा, डिवाइडेड बटा आर इंटू 20, 62, 20, 62, 65। ये क्या होगा, सेकंड होगा। अभी सेकंड सेकंड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आपका रेडियस का वैल्यू आ जाएगा। दिस इम्प्लाई यहाँ पे आप लिख सकते हैं 20 = 2 × 10⁻³ मीटर डिवाइडेड बटा आर इंटू 20, 62, 65। दिस इम्प्लाई आफ्टर सॉल्विंग रेडियस का जो वैल्यू आएगा वो आ रहा है आपको 20.62, ये आ रहा है 20.62 मीटर। तो बहुत सिंपल है, 20.62 मीटर। सो क्या किए, सबसे पहली बात यहाँ पे आपको सेंसिटिवनेस दिया हुआ था सेकंड में, सेकंड में दिया हुआ था, है ना। तो आपको बेसिक फॉर्मूला पता है रेडियन वाला, अल्फा बराबर एस वाई एन डी इंटू बराबर एल वाई आर, ठीक है। सेकंड थिंग कि यदि सेकंड में अल्फा का वैल्यू क्या होता है, एस बाई एन डी इंटू 20, 62, 65। अब एस बाई एन डी किसके इक्वल है, एल बाई आर के इक्वल है, तो एस बाई एन डी का वैल्यू एल बाई आर पुट कर दिए, इंटू 20, 62, 65 हो गया। एक किस यूनिट में आ गया आपको, सेकंड में आ गया। अब देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों सेकंड में हो गया, इधर अल्फा का वैल्यू 20 सेकंड दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था 20 सेकंड, तो 20 सेकंड पुट कर दिए, इधर भी सेकंड सेकंड कैंसिल हो गया। एल का वैल्यू आपका 2 mm दिया हुआ है, तो 2 × 10⁻³ मीटर हो गया डिवाइडेड बटा आर, तो रेडियस का वैल्यू कितना हो गया, 20.62 मीटर हो गया। तो इस तरह से एक इक्वेशन को यूज करके नंबर ऑफ क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं, ये सिविल सर्विस का पूछा हुआ है, यूपीएससी सिविल सर्विस का पूछा हुआ है, 12 नंबर का क्वेश्चन, 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है। कहता है कि इंस्ट्रूमेंट बबल ट्यूब वाज फाउंड टू हैव सेंसिटिवनेस 20 सेकेंड, अल्फा आपको कितना दिया हुआ है, 20 सेकेंड। फाइंड द एरर इन अ स्टॉप रीडिंग, फाइंड द एरर इन अ स्टॉप रीडिंग, मतलब आपको क्या निकालना है, एरर इन अ स्टॉप रीडिंग मतलब स्टॉप इंटरसेप्ट निकालना है, कितना, S2 - S1, मतलब आपको स्टॉप इंटरसेप्ट निकालना है। वर्टिकली हेल्ड अ स्टॉप एट डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, मतलब क्या दिया हुआ, कैपिटल डी दिया हुआ आपको 100 मीटर। कॉज्ड बाई ए बबल 4 डिवीजन आउट ऑफ द सेंटर, बबल मूवमेंट कितना हो रहा है, एन बराबर 4 डिवीजन, कितना मूव कर रहा है, 4 डिवीजन, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, स्टॉप इंटरसेप्ट निकालना है। तो बहुत सिंपल है, आप क्या करेंगे, एस वाई एन डी इंटू 20, 62, 65 एक फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। यहाँ क्या नून है, सिर्फ आपको यहाँ पे अल्फा का वैल्यू रखेंगे कितना, 20, इधर एस का वैल्यू आपको निकालना है,
एन आपको दिया हुआ है 4, डी आपको दिया हुआ है 100, एन टू 20, 62, 65। सोल्व करने के बाद एस का वैल्यू आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, किस में, इन विच यूनिट, मीटर में, मीटर में या फिर सेंटीमीटर में, मीटर में या सेंटीमीटर में आप लिखे, जिस यूनिट में भी लिखेंगे यूनिट के साथ आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। सो 12 मार्क का क्वेश्चन है, आपको 5 मिनट में है, जो 5 मिनट भी नहीं लगेगा, 3 to 4 मिनट में आप सॉल्व कर पाएंगे, है ना। ये यूपीएससी सिविल सर्विस का पूछा हुआ था 2003 में पूछा था 12 मार्क्स में। सो इसको आप सॉल्व करके जो आप आंसर है जो लिखे कमेंट सेक्शन में, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, दैट इज कंटूरिंग और कंटूर सर्वे। ये भी चैप्टर काफ़ी स्मॉल होगा लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, इसके बाद हम लोग कवर करेंगे एरिया एंड वॉल्यूम। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।